गैस hey कैसे हो आप सभी लोग आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे एंड गैस काफी लंबे समय के बाद फाइनली यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं टॉप फाइव गैजेट्स अंडर फाइव हंड्रेड मुझे पता है बहुत लंबे समय के बाद ये पर्टिकुलर वीडियो हम शूट कर रहे हैं एंड जो नए हैं चैनल पे उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि हम ऐसे सीरीज शूट करते थे बट येस गईज 2023 से अगले साल से विल सी टू इट कि ये जो सीरीज है अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 2000 वाली जो है ना वो रेगुलरली हम लोग टाइम पे पोस्ट करें एंड गईज आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत ही यूनिक गैजेट्स यहाँ पे मैं लेके आया आऊँ सो so, बिना टाइम वेस्ट किए हुए गेट स्टार्टेड So guys, यहाँ पे जो सबसे पहला गैजेट है ना वो है वेलो मैक्स कंपनी का मल्टीफंक्शन एलईडी लाइट एंड यहाँ पे बॉक्स के अंदर है ना वो एक्चुअल एलईडी लाइट एक टाइप सी केबल एंड एक छोटा सा यूजर मैनुअल आपको देखने मिलता है वैसे गैस इसकी जो बिल्ड है ना कंप्लीटली मेटालिक प्लस की आपको देखने मिलती है एंड साइड में यहाँ पे उन्होंने टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड किया है उसी के दूसरी तरफ आपको इसका पावर ऑन बटन भी देखने मिलता है एंड आगे की तरफ यहाँ पे सीओबी एलईडी लाइट आपको देखने मिलती है तो सबसे पहले मोड में जैसे आप पावर ऑन बटन प्रेस करोगे यहाँ पे आपको देखने मिलता है ब्राइट मोड सेकंड में आपको देखने मिलता है थोड़ा बहुत लाइट मोड एंड थर्ड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्ट्रोब मोड एंड गई ये जो लाइट है ना काफी ब्राइट आपको देखने मिलती है फाइव हंड्रेड लूमेंस की टोटल ब्राइटनेस निकल के आती है एंड यहाँ पे डार्क एनवायरमेंट में आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया

इन ऑल गाइज मल्टी फंक्शन एलईडी लाइट है एंड काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आपको देखने मिलता है एंड इसके अंदर उन्होंने फाइव हंड्रेड एम एच की बैटरी प्रोवाइड की है टाइप सी पोर्ट की हेल्प से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो एंड गाइज वन एंड हाफ आवर है ना कंटिन्यूअसली ये चल जाता है फुल चार्ज पे जो मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग बात है फोर हंड्रेड की प्राइस में आपको डिवाइस अवेलेबल मिल जाएगा एंड मेरे हिसाब से गाइस सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी है अगर आप हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए इसे यूज कर रहे हो या फिर पोर्टेबली घर पे भी रख रहे हो ना तो भी भाई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है so, guys, जो अगला गैजेट है ना वो है वीजीआर कंपनी का अल्ट्रा पोर्टेबल थिन ट्रिमर एंड गो बॉक्स पैकेजिंग है ना काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलता है कंप्लीटली हार्ड बॉक्स पैकेजिंग उन्होंने प्रोवाइड किया एंड बॉक्स के अंदर है, है ना वो एक्चुअल ट्रिमर एडिशनल माइक्रो केबल इसे चार्ज करने के लिए एक ब्रश इसे क्लीन करने के लिए एंड एक क्लोज कट ब्लेड भी प्रोवाइड किया है सो so, वैसे इसकी बिल्ड है ना कंप्लीटली पॉली कार्बोनेट मटेरियल में आपको देखने मिलते हैं हमारे पास ग्रीन कलर में यूनिट है ब्लैक कलर में भी आपको एक ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा एंड गाइज इसका जो वेट है ना लगभग 75 फाइव ग्राम्स का निकल गया है जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड गाइज यहाँ पे ऊपर का जो कैप है ना उसे ओपन करते हैं अंदर की तरफ आपको एक क्लोज कट ब्लेड देखने मिलता है एंड साइड में यहाँ पे उन्होंने पावर ऑन बटन भी प्रोवाइड किया है जैसे आप पावर ऑन करोगे यहाँ पे ये टर्न ऑन हो जाता है एंड क्लोज कट ब्लेड का जो ऊपर का ब्लेड है उसे रिमूव करते अंदर की तरफ कुछ इस तरीके का मैकेानिज़म आपको देखने मिलता है जिसकी हेल्प से बियड को आप काफ़ी ईजिली यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो एंड यस गाइज यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग हेयर ट्रिम करना है तो साइड में यहाँ पे आपको एक ट्रिमर ब्लेड भी देखने मिलता है जो कुछ इस तरीके से साइड बटन की हेल्प से पॉप हो जाता है एंड उसकी हेल्प से आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हैंड के ऊपर के जो हेयर्स है उसे मैं ट्रिम करता हूँ ज़्यादा ट्रिम करके नहीं बताऊंगा गाइस बट जी हाँ काफी एक्यूरेटली यहाँ पे ट्रिम करता है सो so, गाइस ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिमर है लाइट वेट है बैकपैक में कैरी कर सकते हो पॉकेट में भी रख सकते हो एंड गाइस बैटरी लाइफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे फुल चार्ज पे 45 मिनट्स का कंटिन्यूस रन टाइम आपको देखने मिलेगा सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसका चार्जिंग टाइम एट आवर्स का चार्जिंग टाइम है गाइज मतलब आपको 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 इसे चार्जिंग के लिए लगाना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा। करना वाला पार्ट है ना बड़ा निकल लगभग की की में ये मिल जाएगा। And top of that, यहाँ पे आपको VGR की तरफ से एक साल की वारंटी भी देखने मिलती है so guys, मेरे हिसाब से पोर्टेबल ट्रिमर चाहिए तो भाई डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो एंड गैजेट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग गैजेट है अगारो की तरफ से जो है अगारो का इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेटर या फिर आप इसे मसाजर भी बोल सकते हो करंटली गई यहां पे मैंने इसे इस इंस्टॉल किया है मेरे हाथों पे सो so, बॉक्स के अंदर है ना वो एक्चुअल डिवाइस आपको देखने मिलता है बेसिकली एक छोटी सी वायर है उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने मसाजिंग पैड्स प्रोवाइड किए एंड गए इस डिवाइस को कैरी करने के लिए आपको एक कैरिंग पाउच भी देखने मिलते हैं सो बेसिकली यहाँ पे हेडफोन जैसे दो मॉड्यूल आपको देखने मिलेंगे उसे आपको प्लग इन करना है यहाँ पे मसाजिंग पैड में एंड फिर गए मसाजिंग पैड के ऊपर का प्लास्टिक रैप आपको रिमूव करना है एंड फिर आपको जिस मसल पे सोरनेस है ना उस मसल पे आपको उसे स्टिक करना है फिलहाल

सो so गाइज़ ये है दूसरा मोड जहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक पल्स ऐसे भम्बार हो रहे हैं एंड यहाँ पे हाथ की मूवमेंट ऑटोमेटिक हो रही है गाइज़ कुछ भी मैं नहीं कर रहा एंड मसल uh, को यू नो इलेक्ट्रिक पल्स से यहाँ पे स्टिमुलेट किया जा रहा है सो गाइज़ यहाँ पे फिलहाल मैंने फ़ोर आर्म्स पे इसे माउंट किया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स मैंने ऑलमोस्ट फुल किया है यहाँ से एंड भाई साहब पूरा हैंड की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है मतलब लिटरली शोल्डर्स तक यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ मसल को तो इस तरीके से मसल बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीफ होता है सो so कैसे ये जो अगारों का इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर है ना बहुत ही अमेजिंग गैजेट मुझे लगा अगर आप मेरे जैसे एथलीट हो या फिर अगर आपको मसल सोरनेस है किसी भी वजह से तो आप डेफिनेटली इस गैजेट के लिए जा सकते हो प्राइसिंग है इसकी फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज एक साल की वारंटी अगारों की तरफ से भी आपको यहाँ पे देखने मिलती है एंड मेरे हिसाब से गए सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी ये गैजेट मुझे लगा एंड गाइज यहाँ पे जो अगला गैजेट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग गैजेट है जो है मिनी प्लास्टिक सीलर गैज कुछ इस तरीके से बेसिक बॉक्स पैकेजिंग में आपको ये गैजेट देखने मिलता है एंड इसका वर्क है सो so, जब भी आप लेज वगैरह खाते हो एंड फिर उसे टाई करके रखते हो ना इवेंचुअली थोड़े टाइम के बाद है ना वो ऐसे क्या बन जाता है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से ऐसे चिप्स बन जाते हैं तो उसे सील करने के लिए ये पर्टिकुलर गैजेट है सो so, यहाँ पे आपको गैजेट के एक साइड में देखने मिलता है कटर जिसकी हेल्प से आप प्लास्टिक रैप वगैरह कट कर सकते हो एंड दूसरी तरफ यहाँ पे आपको सीलर देखने मिलता है जिसकी हेल्प से आप प्लास्टिक बैग्स को या फिर जो लेस वगैरह के बैग्स देते हैं ना उसे आप सील कर सकते हो पॉइंट थ्री एम की थिकनेस वाली प्लास्टिक बैग्स को ही आप सील कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है बताना यही तो पता चला मोटा थैला लेके आया कोई सील कर रहा है नहीं हो रहा है सील सो so गई यहाँ पे हमारे पास लेस का पैकेट है एंड यहाँ पे जो कटर वाला पार्ट है ना उससे हम यहाँ पे कट करते हैं एंड जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ ना इतना एक्यूरेटली यहाँ पे ये यह कट नहीं करता है पैकेजिंग को फिर गई इस यहाँ पर हमने दूसरे पैकेट पर भी ट्राई किया वहाँ पे भी इतना एक्यूरेटली ये कट नहीं हुआ बट गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीलिंग वाला पार्ट सो यहाँ पे हम सीलिंग वाला पार्ट जो है उसे ट्राई करते हैं एंड यहाँ पे जो लेस का पैकेट है ना उसे कुछ इस तरीके से बस आपको प्रेस करके सील करना है एंड यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेटली जो पैकेट है वो सील हो चुका है एंड यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ ओपन करने का बट गईज सील बहुत ही अमेजिंगली ये पर्टिकुलर यू नो जो चिप्स वगैरह के पैकेट है उसे कर देता है एंड गईज इसे ऑपरेट करने के लिए ना साइड में यहाँ पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट देखने मिलता है जहाँ पे आपको दो डबल ए बैटरीज इसके अंदर इंसर्ट करनी है वैसे गई इसके बिल्ड है ना कंप्लीटली पॉलीकार्बनेट के आपको देखने मिलते हैं प्राइसिंग गाइज लगभग फोर हंड्रेड थर्टी रुपीज़ की इसके निकल के आते हैं एंड मेरे हिसाब से गाइज़ बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइज मुझे ये गैजेट लगा मतलब भाई लोकल मार्केट में ये पचास रुपये का मिलना चाहिए मेरे हिसाब से मैंने तो पैसे वेस्ट कर दिए एंड uh, मुझे पता है बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे हाथ से ही फाड़ो हाथ से ही खाओ और ख़त्म कर दो तो पैकेट रखना ही नहीं है वापस। सो so गैस यहाँ पे जो आखिरी गैजेट है ना वो है एलईडी डिजिटल क्लॉक एंड ये एक वॉइस एक्टिवेटेड टेबल एलईडी क्लॉक है सो so, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है एंड बॉक्स के अंदर वो एक्चुअल डिवाइस एंड यहाँ पे डिवाइस के आगे की तरफ आपको एलईडी डिस्प्ले देखने मिलता है जहां पर उन्होंने ब्लू कलर की बैक लाइट भी प्रोवाइड की ऊपर की तरफ गए यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन लेंस देखने मिलता है जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो एंड ये जो प्रोजेक्शन लेंस है ना बेसिकली वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करता है टाइमिंग एंड यहाँ पे हमने इसे टेस्ट किया था डार्क एनवायरनमेंट में ये प्रोजेक्ट कर लेता है बट गई अगर आपके रूम्स में लाइट वगैरह है ना तो भाई वहाँ पे प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट मत करना बेसिकली गई रात के टाइम के लिए डिजाइन किया है कि रात में अगर आप उठ गए तो भाई दीवार पर टाइम दिखना चाहिए एंड फिर गई नीचे की तरफ है ना यहाँ पे आपको कस्टमाइज बटन देखने मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप टाइम को कस्टमाइज कर सकते हो ट्वेल्व आवर्स या फिर ट्वेंटी आवर्स में सेट कर सकते हो अलार्म भी इसमें आप सेट कर सकते हो प्लस गई यहाँ पे आपको अलार्मस के डिफरेंट टोन्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं एंड गाइस इसके अंदर है ना आपको टॉकिंग मोड भी देखने मिलता है सो so, यहाँ पे जो ऊपर का प्रोजेक्शन एरिया ना उसे बस आपको प्रेस करना है सो गाइस करंट टाइमिंग ये बताएगा प्रोजेक्शन भी करेगा वॉल के ऊपर एंड बैक बैकलेट जो है वो भी यहाँ पे ग्लो होना स्टार्ट होती है एंड गाइज यहाँ पे अगर अलार्म यहाँ पे बजर हो जाता है ना तो ये ऊपर का जो पर्टिकुलर बटन है या फिर जो एरिया है ना उसे प्रेस करते अलार्म भी स्टॉप हो जाता है एंड गाइज यहाँ पे ना आपको इसके अंदर टेम्परेचर इंडिकेटर भी देखने मिलता है फैरानाइट्स में ये टेम्परेचर इंडिकेट करता है यहाँ पे कोई भी डिग्री सेल्सियस का मुझे ऑप्शन देखने नहीं मिला सेटिंग्स में एंड नीचे की तरफ है ना यहाँ पे आपको बैटरीज इंसर्ट करने हैं तीन ट्रिपल ए बैटरीज जिसके हेल्प से ये पावर ऑन हो जाता है एंड गाइज हर घंटे ना ये एक रिमाइंडर देता है भाई छः बज गए सात बज गए आपको बताएगा टाइमिंग क्या है सो so गाइज़ मेरे हिसाब से यू नो किड्स के लिए वगैरह ये एक अच्छा गैजेट है लगभग गैस पाँच सौ की प्राइस में आपको ये डिवाइस अवेलेबल मिल जाता है वारंटी वगैरह कुछ है नहीं तो मतलब क्या ही बता सकते हैं तो अगर कंसिडर करना है तो आप जा सकते हो इसके लिए सो गाइज़ यही थे कुछ पाँच गैजेट्स जो आपको मिल जाएंगे पाँच सौ की प्राइस रेंज के अंदर कुछ गैजेट्स ऐसे हैं जो आपको 500 टू 600 के प्राइस में भी मिल जाएंगे क्योंकि गई प्राइसिंग इनकी फ्लक्चुएट होते रहती है सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड गेस नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका गैजेट कौन सा फेवरेट था इन एंड मेरे से गैज ये सारे गैजेट्स है ना यूजफुल है, है आपके day -day में. बस यही था आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आगेगा अगर आपको वीडियो पसंद तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद